देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। आज युवाओं की मांग जॉब है और वो जॉब नहीं दे पा रहे हैं, ये साबित हो रहा है। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है, हर भर्तियों में पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या रेल मंत्री रोजगार पर बात करना चाहेंगे? वो क्यों नहीं बताते कि उनकी परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो पाती हैं? देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो युवाओं को लुभाने के लिए नेता बेरोजगारी का सहारा लेते हैं और सत्ता सरकार की खूब आलोचना की जाती है। जब सत्ता बदलती है तो वे नेता खुद कितना रोजगार के मुद्दे में सक्रिय रहते हैं, इसका उदाहरण आप आज के समय की सत्ता सरकार से समझ ही जाएंगे। देश में बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने देने ही बंद कर दिए हैं। मीडिया में बेरोजगारी अब मुद्दा ही नहीं है। आज की सत्ता सरकार यानी कि बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी तब वे बेरोजगारी और महंगाई पर तो काफी सक्रिय रहते थे। आज का विपक्ष भी आवाज उठाता है पर उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाती। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे, तब यूपीए सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर अपने भाषणों के द्वारा घेरा करते थे। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को, मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। अब आप मोदी जी की बेरोजगारी पर ट्वीट भी देख लीजिए। ट्विटर पर तो मोदी जी आज भी सक्रिय रहते हैं पर बेरोजगारी पर ट्वीट नहीं करते। बस 2012 के एक ट्वीट में यूपीए सरकार पर तंज कसते लिखा उन्होंने, आप झूठे वादे क्यों करते हैं, कृपया कुछ शर्म करें। 2009 में उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां आएंगी, क्या ऐसा हुआ? 2014 के एक ट्वीट में लिखते हैं, जब मैं कहता हूं कि युवाओं को रोजगार दो, वे कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता खतरे में है। जब मैं कहता हूं कि कीमतें कम करें तो वो कहते हैं कि पहले धर्म निरपेक्षता। नरेंद्र मोदी अकेले मोदी जी नहीं हैं जो बेरोजगारी की 2014 से पहले फिक्र किया करते थे। और भी कई बड़े नेता बीजेपी के हैं जिनको बेरोजगारी की चिंता होती थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी यूपीए सरकार के वक्त काफी चिंता जताई थी। आज तो उनका इस मुद्दे पर ट्वीट तक भी देखने को नहीं मिलता। हर 2 साल में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यह आंकड़े जुटाती है। उसका पहला निष्कर्ष यह है कि पिछले 2 साल में 10% बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी के रेट में 10% की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा युवक ऐसे हैं कि जिनको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये हालत है बेरोजगारी की कांग्रेस के सरकार में, और पिछले 2 साल में ये 10% से बढ़ा है। और खासकर तब देखोगे कि जब एनडीए के 6 साल में 6 करोड़ नौकरियां तैयार हुई और यूपीए के 7 साल में 1.5 करोड़ नौकरियां। क्योंकि मुझे लगता है सबका मुख्य मुद्दा जॉब है। आज युवाओं की मांग जॉब है और वो जॉब नहीं दे पा रहे हैं, ये साबित हो रहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बेरोजगारी के मुद्दे पर काफी सक्रिय दिखाई देते थे 2014 से पहले। अब तो वह इस पर ट्वीट तक भी नहीं करते। आज चूंकि सोनिया गांधी जी ने बोला है इसलिए सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, पिछले 9 साल में कितने नौजवान लोगों को नौकरी मिली? यंग पढ़े लिखे आशा और अपेक्षा से भरे हिंदुस्तान के नौजवानों की पहली अपेक्षा होती है हमें नौकरी मिलनी चाहिए। आज मैं उसके डाटा में बहस नहीं करूंगा, मेरे पास डाटा है कि इंप्लॉयमेंट यूपीए के समय बहुत नीचे गया है। सोनिया जी, इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए
कि जब चुनाव में एक साल बचे हैं तो आप क्या इतना कर लेंगे कि देश के नौजवानों की पीड़ा आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आपकी सरकार काम करेगी। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर यूपीए सरकार की काफी आलोचना की थी। आज जिस विषय को हम लोग फ्लैग करना चाहते हैं वो बेरोजगारी है। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी और भयंकर समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है, जिससे पूरा समाज और हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, और उसका अपश्रय केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में जाता है, क्योंकि हर समय इन्हीं की सरकार पिछले 9 वर्षों से चल रही है। जिस प्रकार से इस सरकार की आर्थिक नीतियों ने इस देश में काम किया, उसकी वजह से जो बेरोजगारी की समस्या है। बीजेपी नेता आज कितने सक्रिय हैं, ये तो आपके सामने ही है। 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और भारत के युवाओं ने इसे अनएम्प्लॉयमेंट डे करके मनाया। ट्विटर पर इसको लेकर कुछ हैशटैग भी ट्रेंड होते रहे। युवा पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा है, लेकिन मीडिया में उनको कवरेज नहीं मिल रही, क्योंकि मीडिया के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जुमलेबाज साबित हुआ है, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है, हर भर्तियों में पूरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वर्तमान के देश का नौजवान बेरोजगार है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उनको मैं जो देश की संपत्ति है ये एयर इंडिया और ये भारतीय रेलवे, ये मैं उनको आज गिफ्ट में दूंगा, रिटर्न गिफ्ट में। तो सबसे पहले सबसे मेरे प्यारे मित्र जो हैं अंबानी जी, वो जरा आइए, वो बताएं उनको रेलवे चाहिए कि एयर इंडिया चाहिए। वैसे तो दोनों मिल रही मोदी जी। नहीं नहीं, एक एक मिलेगा, ऐसा ज्यादा एयर इंडिया चले जाए। हाँ, इसमें सीट पे दिमक भी होते हैं, आराम से बैठिएगा। ये फोटो खींचिए जरा। हाँ जी, शुक्रिया, जाइए अंबानी जी। युवा अलग अलग तरीकों से अपनी बात रखने लगा है। कोई बोलकर अपनी परेशानी बता रहा है तो कोई लिखकर, कोई गाना गाकर बता रहा है तो कोई मीम्स बनाकर, हर कोई अपने तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में लगा है। इस मुद्दे पर रवीश कुमार ने अपने शो में बात भी की और कुछ मजेदार बातें भी साझा करी। गुजरात से हमारे एक मित्र ने खबर की क्लिपिंग भेजी है। कोविड गाइडलाइन का पालन न करने के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 32 टी स्टॉल को सील कर दिया है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष की रैलियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या उनकी रैलियां सील हुई? नहीं ना। चाय वाले की दुकान सील हो जाए और वो बेरोजगार हो जाए, इस खबर को कैसे बर्दाश्त किया जाए, वो भी 17 सितंबर के दिन। हमारे रेल मंत्री बहुत काम करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से तो यही लगता है। वैसे ट्वीट करना भी अपने आप में एक काम है। इस ट्वीट में रेल मंत्री बता रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों की शुरुआत हुई। इतनी नजर है कि कहां लिफ्ट का उद्घाटन हो रहा है। क्या रेल मंत्री रोजगार पर बात करना चाहेंगे? वो क्यों नहीं बताते कि उनकी परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो पाती हैं? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती है? राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही ट्विटर पर देश के युवा के साथ खड़े दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि युवा की मांग, समय पर परीक्षा, तय समय से रिजल्ट, बगैर कोर्ट गए ज्वाइनिंग, नौकरियां भरे, संविदा कानून रद्द हो। युवाओं ने महाहुंकार भरी है, अब भी सरकार आंख मूंदे बैठी रही और अपना रुख नहीं बदला तो युवा सरकार बदल देंगे। राहुल गांधी ने वीडियो मैसेज के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और सरकार की आलोचना भी की। देश की हालत आपसे बेहतर कौन जानता है? आप हिंदुस्तान के भविष्य हो और आपको भविष्य आज दिख रहा है।
कोरोना आने से पहले मैंने कहा कि तूफान आने वाला है, फरवरी में कहा, तैयारी कीजिए। सरकार ने मेरा मजाक उड़ाया। जब तूफान आया मैंने फिर सुझाव दिया, युवाओं के भविष्य के लिए आपको तीन काम करने होंगे। पहला, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में न्याय योजना जैसा डायरेक्ट पैसा डालिए। दूसरा, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, वो युवाओं का भविष्य है, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और तीसरा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको संभालिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ नहीं किया, उल्टा नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों को उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। कंगना के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से हम मीडिया चैनलों पर काफी कवरेज देख रहे हैं कि कंगना ने महाराष्ट्र को क्या कहा, उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी क्या करी। अब वही कंगना को क्या देश के बेरोजगारों का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा, वह इस मुद्दे पर भी कुछ बोल देती। इसी बहाने मीडिया में बेरोजगार युवा की आवाज ही सुनाई दे देती। देश में सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, पर अब सरकार पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जरूर बनाने जा रही है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। ये बिल्डिंग 861.90 करोड़ में बनाई जाएगी। खैर, इसी पैसे से कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाता, ये तो अलग बात है। बेरोजगारी आज एक बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी देश में आर्थिक हालात को भी दर्शाती है। जितनी कम बेरोजगारी होगी उतना देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़े और बेरोजगारी दर कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।